तक के सुनारिया जेल में बंद गुरमीत राम रहीम से श्री गुरु ग्रंथ साहिब के बेअदबी केस में आज पंजाब पुलिस की एसआईटी पूछताछ करेगी। रिपोर्ट देखिए। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। 2015 की एसआईटी सुनारिया जेल में बंद राम रहीम से पूछताछ करने रोहतक जेल आ रही है। एसआईटी प्रमुख और आईजी सुरेंद्र पाल सिंह परमार की अगुवाई में 4 सदस्यीय टीम देर रात सुनारिया जेल के लिए रवाना हुई। कुछ देर बाद पंजाब पुलिस रोहतक पहुंचेगी। असीं क्वेश्चन पूछांगे जिहड़े असीं समझदे हां कि रेलेवेंट ने बेस्ड ऑन द एविडेंस दैट वी ऑलरेडी हैव इन द फाइल केस फाइल। तो ये प्रोग्रेस ते है ही है, ते बाकी इट विल डिपेंड अपॉन कि किस तरह के जवाब आउंदे ने, साडा लिंकिंग एविडेंस कित्थे तक सानू लैके जांदा है। पंजाब पुलिस की एसआईटी ने राम रहीम से पूछताछ के लिए सवाल भी तैयार किए हैं। इससे पहले राम रहीम को प्रोडक्शन वारंट पर लाने के लिए फरीदकोट जेल ने आदेश जारी किए थे। राम रहीम को 29 अक्टूबर को पेश होने को कहा गया था। इस पर 28 अक्टूबर को ही पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस को जेल में पूछताछ करने की हिदायत दी थी। आपको बता दें कि राम रहीम बरगाड़ी बेअदबी मामले में सुनारिया जेल में सजा काट रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।